गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है क्योंकि आज हम जा रहे हैं बीजेपी का मतलब रैली है, वहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे भाई 2019 का चुनाव आने वाला है, तो उसमें सारी पार्टियाँ अपना अपना मतलब प्रमोशन मतलब प्रचार करती हैं। तो आज भाई जा रहे हैं बीजेपी के प्रचार में, और चलिए भैया आते हैं बीजेपी के कॉस्ट्यूम में, यानी कि जो टोपी मिलती है और यहाँ पे जो मिलता है। तो भाई बहुत सारे लोग हैं, अभी हनुमानगंज बाजार में हैं, सुबह के बज रहे हैं 10। तो चलिए भैया दिखाते हैं पीछे कितने लोग हैं। ये देखिए जो पीछे सब दिख रहे हैं, सब बीजेपी के प्रचार वाले हैं। तो चलिए चलते हैं भाई सेटअप में, आते हैं बीजेपी के। गाइस फाइनली हम आ गए हैं बीजेपी के कॉस्ट्यूम में, तो भाई हमें मिली है टोपी पहनने के लिए, इसको पहनते हैं। और भाई ये देखिए क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मफलर। चलिए भाई इसको भी पहनते हैं आप लोगों को, फिर दिखाते हैं। हमारे साथ क्या नाम है आपका? आप विष्णु। हमारे साथ विष्णु, ये भी साथ जाएंगे। तो भाई चलिए आज एंजॉय करते हैं, बड़ा मजा आएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। सो गाइस अभी हम आए हैं पेट्रोल टंकी, उसके बाद जाएंगे सुल्तानपुर। अभी ज्यादा नहीं आए हैं, लोग कितनी ज्यादा भीड़ है। पहुंच गए हैं गणपत सहाय, जो कि पयागीपुर में है, और यहाँ पर आज भाई बीजेपी का बहुत ही बढ़िया बहुत ही खतरनाक मीटिंग है। देखिए भाई बहुत दूर दूर से यहाँ सब लोग आ रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा भाई। आप बज गए हैं 12 और देखिए भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है, सब बीजेपी वाले हैं। हम आए थे बीजेपी की रैली में गणपत सहाय पयागीपुर, और भाई देखिए यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा है। ये देखिए बंदर यहाँ पर बैठा हुआ है, और भी बंदर हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, बने रहिए देखते रहिए। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई बीजेपी, वोट करिए और भाई भाजपा सरकार फिर से लाइए 2019 में। थैंक यू। अभी हम गणपत सहाय कॉलेज पयागीपुर में हैं, और मेरे ख्याल से 12 बज चुके हैं, और इस बीजेपी की रैली में हर मंडल से लोग आए हुए हैं, यानी कि 400-500 लोग आप कह सकते हैं। और ये जो गणपत सहाय कॉलेज से पयागीपुर से यहाँ से निकलेगी रैली और जाएगी सुल्तानपुर में, इसके बाद घूमेगी। आज भाई आप लोगों को भी दिखाएंगे मतलब किस तरह से होता है। और भाई देखिए बंदर का कुछ ज़्यादा ही आतंक है, ये देखिए मंकी लोग। तो चलिए अभी वीडियो कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई, आप लोगों को दिखाते हैं मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ यार, बहुत ही मतलब ज़्यादा ही लग रहा है।
दिखा भाई कितनी ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ भाई, बहुत ज्यादा। आप लोगों को और बहुत ज्यादा भीड़ है भाई, बहुत ज्यादा बयागीपुर में। देखिए भैया कितनी ज्यादा भीड़ है। जय श्री राम। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सभागार के अंदर। देखिए भैया कितनी ज्यादा भीड़ हो गई है, और भी आप लोगों को दिखाते हैं भैया। ये है सुल्तानपुर का सभागार। गाइस हम लोग बैठ चुके हैं सीट पर। अब देखिए भैया कितनी ज़्यादा भीड़ है, और वो है स्टेज जहाँ पे सब बीजेपी के नेता लोग बैठे हुए हैं, और हमको मिली है भैया एक कुर्सी। और हमारे साथ हैं बहुत सारे लोग बीजेपी के समर्थक। देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड है, और जैसे लग रहा है भाई मूवीज देखने बैठे हैं। मतलब सीट कैसी लगी मुझे देखिए भाई, भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है। भैया वीडियो लाइक कर दो। तो गाइस फर्स्ट टाइम आए हैं बीजेपी की रैली में, काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई। ये देखिए कितनी ज़्यादा क्राउड, कितनी ज़्यादा भीड़, बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई। राम लला घर लाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सो फाइनली बच गए हैं भैया दो, और भाई देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई सभागार सुल्तानपुर में। भाई 1 से 2-3 हज़ार आदमी आए हैं, अंदर भी भाई भरा हुआ है और बाहर भी। समझ सकते हैं भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है आज। गाइस बहुत ही मतलब मशक्कत के बाद भाई मिला है भाजपा की तरफ से ये खाना, मतलब लंच पैकेट। भाई मतलब कितनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब मिलना ही बहुत मुश्किल था, इसी तरह भाई मैं पाया हूँ। समझ सकते हैं भाई स्ट्रगल। हमारे साथ चाचा जी भी खा रहे हैं, बहुत ही मेहनत के बाद भाई पाए हैं चाचा, है कि नहीं। चलिए भाई लंच पैकेट खाते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये है भाई पनीर की सब्जी, लड्डू, 2 पूड़ी और है चटनी। इतनी चीज़ें हैं भाई। फाइनली गाइस बीजेपी की रैली ख़त्म हो चुकी है, और भैया जा रहे हैं घर की तरफ। और हमने भैया एक फ्लैग ले लिया है बीजेपी का, और एक लंच पैकेट घर के लिए ले लिया है। तो भैया चलते हैं घर की तरफ, और आपको भैया घर मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा। हम लंच पैकेट घर ले जा रहे थे, हमारे चाचा जी मिल गए। हाँ। क्या नाम है आपका? ज्ञानचंद गुप्ता। तो भाई लंच पैकेट इनको दे दे रहे हैं, इनके भाई लड़के बच्चे खा लेंगे। हम तो वैसे खा चुके हैं दोनों, क्या ले लीजिए। ठीक है, ले लीजिए।